आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सर, अचानक से कार्यकारिणी भंग कर दी गई, क्या कारण है इसका? नहीं, ये बिल्कुल अचानक नहीं था। तो ये कहना कि साहब आम आदमी पार्टी साफ हो गई, फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर ये ना समझे, कौन पार्टी आज जीरो है और कल हीरो हो जाए, ये भविष्य के गर्भ में क्या परिणाम आने वाला है इसके बारे में किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी न साफ होने वाली न हाफ होने वाली, आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो आपको कहीं सबसे ऊपर न दिखाई दे। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में कल अचानक से खबर आई कि पूरी जो कार्यकारिणी है प्रदेश की, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक झटके में भंग कर दी। आगे की क्या तैयारी है और क्यों इस तरह की कार्रवाई हुई है, संगठन के भीतर क्या कुछ इस समय चल रहा है, हमारे साथ बातचीत के लिए अब तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक के तौर पर काम कर रहे जो सिंह बिष्ट हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, खांटी नेता उत्तराखंड के। सर, अचानक से कार्यकारिणी भंग कर दी गई, क्या कारण है इसका? नहीं, ये बिल्कुल अचानक नहीं था। आप ये जाने कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पुराने प्रभारी थे उनकी जगह पर नए प्रभारी और सह प्रभारी भेजे गए, और उन्होंने तकरीबन 4 महीने 4.5 महीने लगा करके प्रदेश के सभी 13 जिलों में जा करके जिस तरह से पार्टी का काम करने का तरीका है कि वॉलंटियर मैपिंग की, आम आदमी पार्टी के पास आज की तारीख में फील्ड में कितने कार्यकर्ता हैं, उन सब की मैपिंग करी। उन सबको लिस्टेड करने के बाद वो पूरा डाटा इकट्ठा करके 16 तारीख को सितंबर के महीने कोटद्वार में 70 विधानसभा का, उसको दिल्ली जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ ले जाया गया, और उसके बाद उस जो वॉलंटियर उस लिस्ट में लिस्टेड हैं जिनके नाम उसमें, उनसे वहाँ से फ़ोन कॉल का सिलसिला शुरू होकर के जो फौरी तैयारी होती है कि संगठन के गठन की जो नई प्रक्रिया है उस पर काम चल रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जब प्रदेश के अंदर नए सिरे से संगठन का गठन होगा तो उसमें पुरानी जो कमेटी है, पुराना जो संगठन है उसको भंग करना पड़ेगा। तो वो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो कोई आश्चर्यजनक बात या कोई जैसे वज्रपात जैसा हुआ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि साहब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी साफ, मुझे ऐसे लोगों की राजनीतिक सूझबूझ पर थोड़ा सा हंसी आ रही है कि ऐसा लिख करके वो अपनी अकल का परिचय दे रहे हैं। ये हर पार्टी में होता है। आप देखिए, कहीं प्रदेश में अध्यक्ष बदलेगा तो पुरानी कार्यकारिणी भंग होती है, नए लोग बनते हैं, वही काम हो रहा है, उसमें गलत कहाँ हुआ? बिल्कुल परफेक्टली जो एक राजनीतिक उसका परंपरा है, पैटर्न है, उस पर काम हुआ। मैं इसी सवाल को आगे जोड़ के पूछ रहा हूँ सर आपसे, 2022 में विधानसभा में जिस ताकत से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से 3.31% वोट शेयर आपका रहा प्रदेश में, क्या वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था? जो चर्चाएं आप कह रहे हैं कि वो, यह भी कहा जा रहा है कि शायद यहाँ भविष्य आम आदमी पार्टी को नहीं दिख रहा, इसलिए क्या यहाँ से समेट कर दिल्ली तो नहीं चले जा रहे वापस केजरीवाल? देखिए, उत्तराखंड के साथ साथ इस देश का जो राजनीतिक इतिहास रहा, जो समय समय पर राजनीतिक दलों का परफॉर्मेंस रहा, उनको जो जनता ने मैंडेट दिया, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो ये कहना कि साहब आम आदमी पार्टी साफ हो गई, फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर ये ना समझिए, कौन पार्टी आज जीरो है और कल हीरो हो जाए, ये भविष्य के गर्भ में क्या परिणाम आने वाला है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया दिल्ली में, तो किसको पता था कि वो पहली बार में लड़ करके 28 विधायक लाएंगे, और किसको पता था कि दूसरी बार में वो भाजपा और कांग्रेस का दिल्ली से सफाया कर देंगे, तीसरी बार भी सफाया किया, किसी को नहीं पता था। और न किसी को ये पता था कि पंजाब में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आ जाएगी, न कोई ये उम्मीद कर रहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आ जाएंगी और 16% मत प्रतिशत मिलेगा, न कोई ये सोच रहा था कि मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगी। तो ये जिस रणनीति से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी के गठन के बाद चरणबद्ध तरीके से देश की राजनीति में अपने पैर जमाने का काम किया, आम आदमी पार्टी की पैठ बनाने का काम किया, तो उसमें हमारे पास जो संसाधन हैं उतने संसाधनों में हम जितने राज्यों में बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं वो लड़ करके परिणाम हासिल करने की स्थिति में आ रहे हैं। 2027 में पार्टी का जो अभी से कार्रवाई हो रही है वो इस बात का मजबूत संकेत दे रही है कि 27 में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक ताकतवर पार्टी के रूप में दिखाई देगी। हमारा यहाँ पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व जो है
बहुत अच्छा दिखाई देगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी न साफ होने वाली न हाफ होने वाली, आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो आपको कहीं सबसे ऊपर न दिखाई दे। ये तो चर्चाएं सोशल मीडिया में थी सर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया, लेकिन जो अब असल सवाल है, जय भारत टीवी की हमेशा कोशिश रही है कि सत्यता सामने आनी चाहिए, सत्यता हम मजबूती के साथ ये बता रहे हैं। खबर हमको ये लगी है कि पिछले कुछ दिनों में आप पूरे 70 विधानसभा में घूमे हैं, आम आदमी पार्टी ने बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं का एक पूरा लेखा जोखा उठाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा है। पिछले विधानसभा चुनाव में अध्यक्ष का चले जाना, मुख्यमंत्री के जो चेहरे थे उनका चले जाना, उससे हाथ जले हैं आम आदमी पार्टी के, इसलिए अब आप पूरे संगठन को नए रूप में बहुत जल्द लेकर आने वाले, क्या इस खबर में सच्चाई है? देखिए, आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रूट मेजोरिटी के साथ आई 57 विधायक के साथ, और उसमें जो कांग्रेस से गए हुए थे 2016 में लोग, उनमें से कुछ लोग मंत्री बने, तो 2022 में आपने ये भी तो देखा होगा कि कुछ नामचीन चेहरे, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत जैसे चेहरे भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आ गए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस पार्टी को, जिसकी सत्ता देश में थी है और जिसकी सत्ता उत्तराखंड में थी और है, उस पार्टी से किनारा किया। हमारी तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, हमारा एक विधायक नहीं, हमारा एक पार्षद नहीं, हमारा कोई प्रमुख नहीं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे साथ लोगों को जोड़ने में हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाई आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल जितना ऊंचा है, तो हम उस कठिनाई से अपने उस मनोबल के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपने जो पार्टी की रीति नीति है, हमारे केजरीवाल जी का जो विकास का मॉडल है, उसके आधार पर यहाँ पर पार पाएंगे और बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को का विस्तार करके जो लोकसभा चुनाव है हम उसमें भी अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाएंगे। उसके बाद दो चुनाव जो विधानसभा से पहले हैं, निकाय के और पंचायत के, उसमें हम अपने को साबित करके दिखाएंगे, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में हम जो मुकाम है उसको हासिल करके दिखाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर, प्रभारी को तो मैं ये मानता हूँ कि बाहर से भी हैं, लेकिन शीर्ष पद पर प्रदेश में आप ही थे, भले ही अध्यक्ष का नाम नहीं था, अब क्या पार्टी फुल फ्लैश एक अध्यक्ष देगी, पूरा संगठन जो कार्यकारिणी है वो बनकर भी आएगी दिल्ली से, ज्योत सिंह बिस्ट जो कि कांग्रेस में लंबे समय तक एक संगठनकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं, क्या अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदार हैं, कुछ बातचीत चल रही है, अपने समर्थकों अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दिया है? मैं पार्टी में, जो दावेदारी का आपने सवाल किया, तो मेरी पहली तो यह है कि मैं किसी चुनाव के लिए, किसी पद के चुनाव के लिए दावेदार नहीं हूँ। मैंने मतलब जो पद के चुनाव की बात करी, लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है, मैं उस चुनाव से इतर हूँ। जो आपने संगठन के पद की बात करी, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैंने अध्यक्ष जी को खुली बैठक में ये कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए या किसी दूसरे पद के लिए दावेदार नहीं, लेकिन मैं भागने वाला आदमी भी नहीं हूँ। पार्टी का हाईकमान मेरी योग्यता, मेरे अनुभव, मेरी क्षमता के हिसाब से जो मेरी उपयोगिता करना चाहेगा, मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे ज्योत सिंह बिस्ट, उन्होंने एक बात साफ कह दी है, वो भागने वाले नहीं हैं, उत्तराखंड में रहकर जमीन से उठकर लगातार काम करने वाले नेता हैं, आज आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा है जो अलग अलग दूर सुदूर इलाकों में मौजूद आज भी है, वही उनकी ताकत है। दूसरा, कलम के सिपाही माने जाते हैं संगठन के भीतर, कागजी कार्रवाई हो संगठनकर्ता के तौर पर बेहतरीन अनुभव रखते हैं। अगर इस अनुभव को आम आदमी पार्टी इसका लाभ उठाना चाहती है तो वो मौजूद है, उनकी दावेदारी नहीं है। कुल मिलाकर बहुत जल्द आपको उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की नई कार्यकारिणी की सूची जारी होती दिखाई देगी, और जिस ताकत से आम आदमी पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा, यह दावा किया गया है कि 2027 में जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले निकाय चुनाव होंगे, उनमें मजबूत भागीदारी आम आदमी पार्टी की रहने वाली। अब देखना है इस बार संगठन का कौन सा नया रूप और किस क्लेवर में आम आदमी पार्टी वापसी करती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर, जय भारत टीवी।